हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। हम इसके पहले बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट लेसन एटॉमिक स्ट्रक्चर कवर किया, सेकंड लेसन केमिकल पीरियडिसिटी को भी कवर किया। अब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर का हम केमिकल बॉन्डिंग थर्ड चैप्टर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थर्ड चैप्टर का नाम हमारा केमिकल बॉन्डिंग, ये जो क्या है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने इंटरमीडिएट में केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ा रहा होगा, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। तो आप लोगों ने डिटेल में वहाँ पर पढ़ा रहा होगा कि केमिकल बॉन्ड जो है कितने टाइप्स के होते हैं। तो उसी चीज़ को केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हम उसी चीज़ को फिर रिपीट करेंगे। हमें पूरा आशा है कि आप इस चीज़ को जानते होंगे कि व्हाट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें देखिए थ्री टाइप्स के केमिकल बॉन्ड हैं, इसको देखिए थ्री टाइप्स के। फर्स्ट टाइप का बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्ड होता है, वो हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। इसको जो है हम विद्युत संयोजक बॉन्ड भी कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट या इलेक्ट्रोकोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। सेकंड नंबर पे हमारा आता है कोवैलेंट बॉन्ड, ये जो है हमारा सेकंड नंबर का दूसरे टाइप का जो है केमिकल बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। और हमारा जो थर्ड टाइप का केमिकल बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब हम थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में जानेंगे कि कौन सा बॉन्ड किस टाइप का होता है, किस नेचर का होता है, यूम कैसे बनता है। तो हम फर्स्ट जो है लेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का। देखिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, या इसको जो है हम इलेक्ट्रोकोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड किस टाइप से बनता है। ये जो बॉन्ड बनता है उसमें जैसे ये देखिए दो एटम है ए प्लस बी, ए एंड बी जो है दो एटम। अब इसमें ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है इस पर ट्रांसफर करता है, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे देता है। अगर इस टाइप से बॉन्ड बन रहा है तो जो है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोकोवैलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, इसको दे रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ए अपना एक इलेक्ट्रॉन बी को दे रहा है तो इसके ऊपर जो है पार्शियली पॉजिटिव, यानी कि इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो है इसके ऊपर जो है क्या आएगा, नेगेटिवली चार्ज आएगा। क्योंकि ये जो है क्या है, ये डोनर एटम है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, और ये क्या है एक्सेप्टर एटम है, और ये जो है इलेक्ट्रॉन इसको ले रहा है, इससे जो है ले रहा है। तो इस टाइप से इस पर एक कैटायन बनता है और ये जो क्या बनता है एनायन बनता है। ये कैटायन बना और ये जो है एनायन बना। तो अब देखिए क्योंकि ये कैटायन है और एनायन है तो इसके बीच में जो है एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा और ये के बीच में जो है बॉन्डिंग हो जाएगी। इस टाइप से जो है बॉन्डिंग हो जाएगी और इसी बॉन्ड को हम जो है इलेक्ट्रोकोवैलेंट या इलेक्ट्रो बॉन्ड, इसको जो है क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। अब हम जो है अब इसका एग्जांपल लेना चाहेंगे। देखिए जैसे NaCl का हम एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड का। ये जो है NaCl सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन इस टाइप से होता है
कि जैसे देखिए ये सोडियम है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। ये इस टाइप से 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 इस टाइप से ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया। और ये जो है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया, ये जो है कितना है 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, देखिए कितना हुआ 3p6, 3p5। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये जो है हमारा 10, ये जो है किसका, ये नोबेल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल जाएगा, ये नियान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और अगर इसको जो है एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये जो है आर्गन का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल जाएगा। तो यही जो है एक इलेक्ट्रॉन इसको अगर दे दे तो दोनों का ऑक्टेट जो है कम्प्लीट हो जाता है। तो इसमें देखिए इस तरीके से क्या करता है कि सोडियम क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन को देता है, जिससे जो है इसके ऊपर क्या हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर ऊपर क्या आ जाता है नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से जो है इसका ऑक्टेट जो है क्या होता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। यानी कि पहले इसके पास कितने थे 5 इलेक्ट्रॉन थे, इस तरीके से इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे। जब ये जो है एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो यहाँ पर जो है ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस तरीके से इस टाइप का जो बांड बनता है ये जो है आयनिक कंपाउंड में इस तरीके का बांड पाया जाता है। और इस तरीके का जो बांड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोकोवेलेंट बांड या इलेक्ट्रोवेलेंट बांड कहते हैं। अब हमारा सेकंड नंबर का जो केमिकल बांड है, जो टाइप्स ऑफ बांड है, वो है कोवेलेंट बांड। कोवेलेंट बांड कैसे बनता है, इसमें जैसे मान लीजिए ए प्लस बी दो एटम है, ये जो हमारी ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसमें देखिए क्या होता है इस तरीके से ये जो है बन रहे हैं। तो इसमें क्या करता है कि जो फर्स्ट एटम होता है, जैसे यहाँ पर जो है ये हमारा फर्स्ट एटम है और सेकंड एटम कौन सा है बी है, दोनों के बीच में जो है कोवेलेंट बांड बन रहा है। तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों का पार्टिसिपेशन होगा, तो पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो बांड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कोवेलेंट बांड कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे ये है ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है और बी के पास एक इलेक्ट्रॉन है और दोनों जो है कोवेलेंट बांड बना रहे हैं, तो इसके बीच में जो है ए का एक इलेक्ट्रॉन और बी का एक इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से जो है इसके बीच में ये भी कोवेलेंट बांड बन जाएगा। तो कोवेलेंट बांड क्या होता है, जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों के पार्टिसिपेशन साझेदारी के द्वारा बांड बनता है तो उसे हम जो है क्या कहते हैं, उसको हम कोवेलेंट बांड कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल, जैसे हमारा क्या है, जैसे हाइड्रोजन, जैसे कौन सा है H2, हमारा H2 मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन का एक और दूसरे हाइड्रोजन का एक दोनों जो है जुड़ेंगे तो हमारा ये जो है H2 हमारा क्या बन जाएगा, H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बांड हुआ, कोवेलेंट बांड हुआ। अब देखिए इसके इसके बीच में क्या सा बांड हुआ, कोवेलेंट बांड हुआ। अब देखिए एक चीज़ और याद, अगर एक एक इलेक्ट्रॉनों की पार्टिसिपेशन होती है तो उससे जो है क्या बनता है, हमारा सिंगल कोवेलेंट बांड बनता है, इससे हमारा क्या बनता है सिंगल कोवेलेंट बांड बनता है। ठीक उसी तरीके से अगर दो दो इलेक्ट्रॉनों का पार्टिसिपेशन होता है किसी मॉलिक्यूल में तो उसे हम कहते हैं, उसे हम जो है डबल बांड कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, दो दो इलेक्ट्रॉनों की जो है पार्टिसिपेशन होती है। तो इस तरीके से ये जो है क्या होता है, इसमें दो दो इलेक्ट्रॉनों का पार्टिसिपेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा, डबल बांड बनेगा। ठीक इसी तरीके से
अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का पार्टिसिपेशन हो किसी मॉलिक्यूल में तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। जैसे देखिए नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, इसमें देखिए तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का पार्टिसिपेशन हो रहा है, तीन इसका और तीन इसका, तो यहाँ पर जो है हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें छः इलेक्ट्रॉन तीन इसके मिल करके जो है तीन थ्री कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसे हम जो है क्या कहते हैं, इसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब आते हैं थर्ड टाइप के केमिकल बॉन्ड पे, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए एंड बी दो एटम, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये पहला एटम क्या करता है कि दूसरे एटम को जो बॉन्ड में यूज होने वाले हैं, यानी कि जिनसे बॉन्ड बनना है, केवल एक ही एटम जो है इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन करता है, दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता किसी कंडीशन में, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस कंडीशन में जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से इसको हम जो है किससे देखकर दिखाते हैं, येरो से दिखाते हैं, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में यूज हुए हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, इसको हम जो है क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। अब जैसे देखिए इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल जैसे NH3 BH3 के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, वो जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, देखते देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला जो हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल है वो NH3 है, सेकंड क्या है BH3 है, इसके बीच में जो है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के पास आप देख रहे हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन बोरान के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि बोरान की जो बैलेंसी होती है वो जो है 3 होती है, और तीनों से एक एक इलेक्ट्रॉन दे करके यहाँ पर जो है कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, यहाँ भी कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है इसके साथ। तो यहाँ पर देखिए दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इससे और इसके बीच में बॉन्ड बनाने के लिए बोरान के पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है यही जो है बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएगा, तो हमारा ये NH3 BH3 बॉन्ड बनेगा, और ये जो है कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अब देखिए ये तो इंट्रोडक्शन था केमिकल बॉन्डिंग में, अब इसमें देखिए हमारा क्या है कि इसमें मेनली हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड का स्टडी इसमें हम करेंगे इस थर्ड चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में, यहाँ BSc फर्स्ट ईयर लेवल पे। तो जो है इसमें एक थियोरी है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पहले हम इसमें ओवरलैपिंग पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले हम इसके बाद ओवरलैपिंग पढ़ाएंगे, इसके बाद जो है क्या पढ़ाएंगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके बाद इसमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाएंगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन के बाद वेस्पर थ्योरी है और उसका एप्लीकेशन है। इस तरीके से जो है इसमें एक बॉन्ड और है, मेटेलिक बॉन्ड है। इस तरीके से इसमें जो है केमिकल बॉन्डिंग में यही इतनी टॉपिक्स आपको पढ़नी है। तो हम इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। अब टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में हम आप पहले से ही पढ़े होंगे SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग और PP ओवरलैपिंग। तो इसका डिस्कशन जो है हम इसके बाद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।